बुंदेलखंड अंचल के सागर में आयोजित संत रविदास महाकुंभ में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी महाराज का भव्य और विशाल मंदिर बनाया जाएगा। चुनावी साल में सीएम शिवराज का यह ऐलान अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संत रविदास महाराज का जो मंदिर बनाया जाएगा उसके लिए सागर के मकरोनिया के बरदुआ से जमीन ली गई है। इस मंदिर में संत रविदास महाराज के पूरे जीवन का वर्णन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि रविदास महाराज का जन्म काशी में हुआ था, ऐसे में काशी के लिए एक तीर्थ यात्रा ट्रेन भी चलाई जाएगी ताकि सभी लोग उनके तीर्थ पर जा सके। तो सुनिए, संत रविदास जी जयंती पर सागर के पास जमीन भी हमने देख ली है। पूरी जानकारी करके आया हूं। कौन सी है? बरतुमा, बगल में मकरोनिया में आती है। क्यों भाई? बरतुमा तो बताओ, बरतुमा में मंदिर बना दे। जोर से बताओ, बना दे। तो आइए, संतों का आशीर्वाद है, बनाए इधर वाले संतों का और सामने वालों का। तो बोलिए, संत रविदास जी महाराज की। और एक बात और, संत रविदास जी महाराज का जन्म हुआ कहां हुआ पता है? अरे कहां हुआ? काशी जी में, बनारस में। तो बताओ, वहां तीर्थ यात्रा की ट्रेन भेजना चाहिए कि नहीं? तो संत रविदास जी महाराज की आपके नेतृत्व में ट्रेनें रवाना की जाएगी, ऐसा चाहूं राज में।